सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मतलब गैजेट्स तो तरह तरह के हम सभी यूज करते हैं ना, तरह तरह के मोबाइल फोन्स होंगे, चाहे टोस्टर हो गया, घर पे लगा हुआ रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी, हेडफोन्स, एफएम रेडियो, कार्स, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे आज अब इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऐसे डिवाइस के बारे में जो अगर नहीं बना होता तो हमारे चारों तरफ की दुनिया जो हम आज जी रहे हैं वो वैसी बिल्कुल नहीं हो पाती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे मैं आपसे बात करने वाला हूं ट्रांजिस्टर के बारे में। ये एक ऐसी बहुत ही कमाल की दोस्तों टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई कि उसके बाद में भैया हम चाहे जा रहे हैं स्पेस में, हम डेवलप कर रहे हैं स्मार्ट डिवाइसेस को, यहां पे हमारे फोन्स हो गए हैं बिल्कुल बड़े से होते होते पतले, चाहे दोस्तों बना रहे हैं कंप्यूटर्स हों, चाहे लैंप हो, LED हो, टोस्टर हो, शेवर हो, कुछ भी हो, अगर ट्रांजिस्टर नहीं होता तो दोस्तों ये सब चीजें नहीं बन पाती। तो यहां पे जो ट्रांजिस्टर है ये एक बहुत मतलब ऐसी कमाल की चीज है कि इसके दम पे पूरी दुनिया टिकी है। तो आइए देखते हैं कि क्या है और कैसे काम करता है। अब जहां तक बात है इसके बारे में पहले कभी सुनने की, तो यार अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपने जरूर सुना होगा ट्रांजिस्टर के बारे में, या फिर अगर आप स्कूल में पढ़ते हो साइंस तो भी आपने सुना होगा ट्रांजिस्टर के बारे में। शायद आपको आइडिया ना हो कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो यहां पर दोस्तों इसके बारे में आपको पहले एक बात बता दूं कि देखो भैया सीन ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है पढ़ाई जो करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी ठीक है बिजली जो है वो आपके प्लग तक आ गई, आपके सॉकेट तक आ गई, बिजली हमने पैदा कर ली, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपके मीटर से वो आपके स्विच बोर्ड तक आ गई। दोस्तों ये जो काम है पूरा ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। लेकिन यहां पर जो हमारे पास में तरह तरह के गैजेट्स हैं तो वहां पर हम उसी बिजली को हमारे फायदे के लिए बेसिकली हमारी जरूरत के हिसाब से कंट्रोल करते हैं कि भाई हमने एक सर्किट बनाया, अब उसमें कहां पर करंट जाए कहां पर करंट ना जाए वो दोस्तों हम कंट्रोल करते हैं। और यहां पे जो ट्रांजिस्टर डिवाइस है ये हमारी इसी काम में काफी मदद करता है कि हम हमारी मर्जी के हिसाब से उस बिजली को पूरा घुमा फिर सकते हैं सर्किट में। और उसके बाद में आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप गेम्स खेलते हैं 4K में, चाहे अब ये कैमरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, ये आप सभी काम कर पाते हैं उन्हीं ट्रांजिस्टर्स की मदद से। अब यहां पर दोस्तों तक बात है कंट्रोल करने की चीजों को, तो एग्जांपल देखो कि आप ऐसा क्या डिवाइस जिसको आप रोजाना इस्तेमाल करते हो जो कुछ कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका नल, कि अगर आपका नल आप खोलोगे तो नीचे पानी आएगा, नल आपने बंद किया तो पानी नहीं आएगा, जो पानी है वो आपके ऊपर टंकी में कहीं पे स्टोर्ड है। तो यहाँ पे दोस्तों कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा ही है ट्रांजिस्टर्स का, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो पानी है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं उस नल से, तो ऐसे ही हम उस करंट को कंट्रोल करते हैं जो फ्लो होना चाहिए सर्किट में। अब यहाँ पे एक बात दोस्तों और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि बनाए जाते हैं सेमी कंडक्टर मटेरियल से, यानी कि जो मटेरियल जिससे हम इनको बनाते हैं वो न तो ऐसा है जो बहुत ही तेजी से चीजें कंडक्ट करता है हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और नहीं दोस्तों ऐसा है कि जो बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करता है। ये बेसिकली है सेमीकंडक्टर, जहां पे ये कंडक्ट तभी करेगा अगर हम इसको बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे, तो यहां पे जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भैया फ्री हो जाएंगे अपने बॉन्ड से और उसके बाद में वो अक्रॉस जो है मटेरियल के फ्लो करेंगे तो ये बन जाएगा एक कंडक्टर। लेकिन क्या हम चाहेंगे कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स को पहले गर्म करें उसके बाद में वो काम करें? तो यहाँ पर दोस्तों हम इस्तेमाल में लेते हैं टेक्निक जिसको हम बोलते हैं डोपिंग, यानी कि हम उस सेमीकंडक्टर मटेरियल में जिसका दोस्तों बहुत ही कॉमन एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम, हम मिलाते हैं कुछ ऐसे मटेरियल्स जो उनमें या तो इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा दे या थोड़ा सा कम कर दे, जिसके बाद में हम उनको हमारे फायदे के लिए कंट्रोल कर पाए रूम टेम्परेचर्स पे। तो यहाँ पर दोस्तों हम मिलाते हैं बोरॉन को, फॉस्फरस वगैरह को, जिसके बाद में हम उस सेमीकंडक्टर मटेरियल को हमारे यूज के लिए अप्रोप्रिएट बना लेते हैं। ये हालांकि डिटेल बहुत ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन अब इतना मान लो कि भैया एक मटेरियल है जिसको हम हमारे हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी दोस्तों यहां पे होता यह है कि जो मैं आपसे बात कर रहा था टूटी की और ऊपर टंकी की और नीचे पाइप की, तो यहां पे अब ये समझ लो कि भैया वो जो टंकी है वो एक ऐसा मटेरियल है जहां पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जहां पे एक्सेस है तभी तो वो नीचे सप्लाई करेगा। अब यहाँ पे दोस्तों वो जो टूटी है वो है आपका बेस रीजन। बेसिकली यहाँ पे तीन रीजन बनते हैं ट्रांजिस्टर में, एक होता है एमिटर, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर। तो यहाँ पे जो कलेक्टर है वो तो बन गया आपका पाइप, जो आपका टूटी है वो बन गया आपका बेस, और यहाँ पे जो एमिटर है वो बन गया आपकी वो टंकी। अब यहाँ पे बेस में दोस्तों कोई भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसके अंदर कमी है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की। जो आपका पाइप है वहाँ पे ओके इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज पाइप में तो भैया पानी तो होगा ही, आप इसको समझ सकते हैं। और जो आपकी टंकी है वहाँ पे भर भर के पड़े इलेक्ट्रॉन्स, आपने थोड़ा सा हैंडल घुमाया
पानी आया, थोड़ा सा और घुमाया पानी और ज़्यादा आया। तो यहाँ पे दोस्तों जो आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके बाद में आप किसी बड़ी टंकी जो कैपेसिटी है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आप अपने बहुत ही छोटे से एफर्ट से उस डिवाइस को पूरा का पूरा मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था वो था जंक्शन टाइप, जिसको हम बोलते हैं BJT यानी कि बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसके दोस्तों अलावा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, इसको हम बोलते हैं FET। तो यहाँ पे दोस्तों यह होता है कि थोड़ा सा डिजाइन अलग होता है, जहाँ पे आप ये समझ लो कि भैया एक यहाँ पे सोर्स है, एक यहाँ पे ड्रेन रीजन है जहाँ से निकल के चीजें जाएंगी यहाँ से यहाँ, हमारे पास में बीच में गेट है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन वहाँ पे अगर हम कुछ वोल्टेज लगाएंगे तो उस डिपेंडिंग कि हमने क्या वोल्टेज अप्लाई किया है, कितना किया है, कैसे किया है, हम कंट्रोल कर सकते हैं करंट का सोर्स और ड्रेन के बीच में। अब यहाँ पे अगर दोस्तों हमने सही तरीके से कॉम्बिनेशन बनाए बहुत सारे तरह तरह के, तो हम लॉजिक गेट्स बना सकते हैं कि भैया सिग्नल है जहाँ पे चार इनपुट्स हैं, कौन से इनपुट पे करंट है कौन से पे नहीं है, डिपेंडिंग जो आउटपुट है वो चेंज हो जाता है। यहां पे अगर हमने को और थोड़ा बेहतर तरीके से बनाया तो यहां पे हम इनके लिए मेमोरीज भी बना सकते हैं जहां पे स्टोर कर लेते हैं जो भी सिग्नल आता है, जो भी करंट आता है, जीरो या फिर वन, क्योंकि हम यहां पे ट्रांजिस्टर काम लेते हैं एज अ स्विच। तो स्विच भैया है तो ऑन होगा या ऑफ होगा, अब अगर ऑफ है तो भैया जो भी उसकी प्रीवियस स्टेट थी वो उसको होल्ड करके बैठा है, ऑन किया तो उसको आगे पास कर देगा। इसके दोस्तों अलावा यहां पे हम ट्रांजिस्टर्स को एम्पलीफिकेशन के लिए भी काम में लेते हैं, जहां पे कोई सिग्नल अगर वीक हो रहा है, फॉर एग्जांपल आप अगर यहां से कुछ सिग्नल भेजते हो कहीं दूर, वो अगर रास्ते में वीक हो गया तो उसको और एम्पलीफाई करने के लिए भी हम काम लेते हैं ट्रांजिस्टर्स को। तो ये है इनके मेन दो यूज, जहां पे हम दोस्तों एक तो एम्पलीफायर, दूसरा स्विच काम में लेते हैं। और कंसेप्ट एक्चुअली ना बहुत ही मुश्किल है कि मैं आपको एक वीडियो के अंदर सिर्फ एक ही वीडियो में बता दूं, अगर कॉपी किताब लेके बैठूंगा तो बहुत मुश्किल लगेगा। दोस्तों यहां पे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि ट्रांजिस्टर वाले की काम कैसे करता है, इसका मेन रोल क्या है। और यहां पे दोस्तों इंटेल के जो को-फाउंडर थे मिस्टर गॉर्डन मूर, उन्होंने बताया था बहुत ही पहले अपने एक मूर्स लॉ नाम के स्टेटमेंट में कि भैया हर साल ये जो नंबर है ट्रांजिस्टर्स का किसी भी सर्किट में, किसी भी चिप में, ये डबल होने वाला है। उसके बाद दोस्तों इसको मॉडिफाई किया गया कि हर दो साल में ये चीज डबल हो जाएगी, जो अभी पिछले कुछ टाइम तक बिल्कुल सही साबित हो रही थी, जहां पे भैया बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, इतने 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 जिनको आप देख भी नहीं सकते, वो दोस्तों एक छोटी सी चिप के अंदर होते हैं और उसके बाद में सारे काम करते हैं, मतलब करंट जा रहा है आ रहा है, पूरा भैया जाल फैला हुआ है। और ये है दोस्तों बात ट्रांजिस्टर की। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा टेक्निकल हो गया मेरे को मालूम है, लेकिन अभी नाम जब है टेक्निकल गुरुजी तो इतना टेक्निकल तो चलता है। दोस्तों अगर आपको कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी और इसके अलावा कुछ और टाइप की वीडियोस रोजाना लेके आता रहता हूं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।